सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। रूस पर भड़का तुर्की, ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं जब से ससुराल ये इजराइल का प्रेसिडेंट तुर्की जब से पहुंचा, ऐसे ऐसे हालात बदल चुके हैं, जज्बात बदल गए। वो कौन सा यार, क्या कहता है वो जरा पाकिस्तानी, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। खैर दोस्तों, आपको बता दूं कि अब खुलकर तुर्की ने रूस के खिलाफ बयानबाजी करना शुरू कर दिया है। बहुत सारे लोग नहीं, करोड़ों पूरी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो रूस का समर्थन कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि यूक्रेन में ज़्यादातर लोग यहूदी हैं, इस वजह से लोग पूरी दुनिया के मुस्लिम लोग सपोर्ट कर रहे थे रूस को। आपको बता दूं, वैसे भी जो नॉन मुस्लिम दूसरे लोग हैं वो भी रूस को ही समर्थन कर रहे थे। उसकी वजह यह है दोस्तों, क्योंकि अमरीका के भड़काने पर फुदक के ये चौड़ा होके ये यूक्रेन जो है रूस से भिड़ने के लिए तैयार हो गया था। इस वजह से लोगों का ये भी मानना था कि भाई किसी के बहकावे में आओगे तो जैसी करनी वैसी भरनी। बहरहाल अब व्लादिमीर पुतिन को डायरेक्ट टारगेट पर अर्दोगान ले रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने सीधा सीधा कह दिया है कि 2014 में क्रेमलिन पर कब्जा इलीगल तरीके से किया था रूस ने और हम कभी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि तुर्की ने आगे ये बयान दे दिया कि हम नेटो से जुड़े हुए हैं, तुर्की नेटो का देश है और हम पूरी तरह से नेटो के साथ हैं। यानी नेटो कोई भी फैसला लेगा, रूस के खिलाफ कोई भी फैसला लेगा, तुर्की पूरी तरह से नेटो का ही सपोर्ट करेगा। ये शॉर्ट में आपको सबसे बड़ी खबर दे दी है मैंने। दोस्तों अगली खबर भी तुर्की से जुड़ी हुई है। जर्मन के एक्स फॉरेन मिनिस्टर ने एक बड़ी बात कही है, अमेरिका को लताड़ लगाते हुए कहा है कि आज अमेरिका तुर्की से नाराज है, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए, आपको मतलब अमेरिका को ये सोचना चाहिए कि तुर्की ने तो सबसे पहले डिफेंस सिस्टम आपसे ही मांगे थे, अब आपका जो डिफेंस सिस्टम है पैट्रियट वो आपने देने से तुर्की को मना कर दिया। जब आपने मना किया तभी तो तुर्की ने रूस से अपना डिफेंस सिस्टम लिया S-400। अब आप ये सोच के देखिए कि आपने अपना पैट्रियट जो सिर्फ हमले को रोक सकता है, हमला नहीं कर सकता, जी हाँ हमला रोक सकता है, हमला कर नहीं सकता, वो आपने डिफेंस सिस्टम देने से मना कर दिया तुर्की को, तो तुर्की ने S-400 दे लिया। अब जो S-400 है वो हमलों को रोक भी सकता है और पलट के हमला कर भी सकता है, तो यानी गलती आपकी है, मतलब अच्छे तरीके से जलील किया है अमरीका को। दोस्तों इसी के साथ तुर्की की चांदी चांदी होती नजर आ रही है। अब अर्दोगान का ये आप दिमाग कहिए या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहिए, अब आपको बता दूं कि लंदन ने पहली बार ये ऐलान किया है कि वो तुर्की में इन्वेस्ट करने जा रहा है, और आपको बता दूं कितना इन्वेस्ट करेगा, तो रकम है $2.3 बिलियन, जिस रकम से तुर्की खुद अपने अंकारा में ही, राजधानी में ही 500 लगभग किलोमीटर की एक इलेक्ट्रिक सुपर ट्रैक बिछाने वाला है। दोस्तों इससे एक बात क्लियर हो गई है कि अब वेस्टर्न कंट्रीज तुर्की में इन्वेस्ट करना शुरू कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, अब तुर्की की हथियारों की कंपनी यूरोप में पहली बार एंट्री कर चुकी है, यूरोपियन मार्केट में तुर्की की कंपनी ने कदम रख दिया है। आपके स्क्रीन पर रिपोर्ट देख ली, आपको बताऊं न्यूरल मकीना ये कंपनी है तुर्की की जो हथियार बनाती है, तस्वीर में आप देख रहे हैं फाइटर व्हीकल है, काफी एकदम जबरदस्त तरीके का है, अमेरिका के टक्कर का है। इन्होंने पहली कंपनी खोल ली है हंगरी में, यानी काफी तेजी से अब तुर्की हथियारों की फील्ड में आगे बढ़ रहा है। अब दोस्तों यहां पर एक चीज आप समझ लीजिए, रूस और यूक्रेन की जंग का फायदा दो देशों को हुआ, पहला है ईरान, दूसरा है तुर्की। तुर्की को ईरान से ज्यादा अब फायदा इस तरह से पहुंच रहा है कि जिन जिन कंपनियों ने रूस को बैन किया, या रूस ने जिन कंपनियों को बैन किया, या रूस में किसी भी कारण जो कंपनी अपना काम काज समेट के बाहर आ गई, अब वो सारी कंपनी सीधा तुर्की में इन्वेस्ट कर रही हैं। आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए ये रिपोर्ट है, ये अमरीकी कंपनियां भी हैं वो भी सीधा सीधा तुर्की जा रही हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अंकारा में तुर्की में जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं
उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने अमरीकी कंपनियों को संबोधित करते हुए अमरीकी कंपनियों से कहा कि जो जो कंपनी कल तक रशिया में थी उनसे गुजारिश है कि वो इस बात पर सोचें कि उनको तुर्की आना चाहिए, क्योंकि तुर्की में काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट और काफ़ी अच्छा फ्यूचर है। दोस्तों इसी के साथ एक बड़ी खबर आपको जापान की तरफ से देना चाहता हूँ। जापान ने कहा है कि अब हम न्यूक्लियर हथियार बनाने पर सोचेंगे। बच्चों के लिए बता दूं कि जापान पर अमेरिका ने न्यूक्लियर बम मारा था नागासाकी और हिरोशिमा पर, जिसके बाद अब तक ये असर है कि आज भी वहाँ के बच्चे अपंग पैदा होते हैं, पूरी नस्लें खराब और बेकार सी हो गई हैं। उस जापान का ये कानून और ये प्रिंसिपल था कि नो न्यूक्लियर बॉम्ब प्रिंसिपल, यानी न्यूक्लियर कभी बनाएंगे ही नहीं। लेकिन अब उन्होंने बयान देते हुए कहा है रिपोर्ट के मुताबिक कि हमारे जो पड़ोसी हैं, चाहे चीनी हो चाहे नॉर्थ कोरिया हो, वो न्यूक्लियर हथियारों से लैस हैं और उनसे हमें बहुत ख़तरा है और हमें उनसे काफ़ी टेंशन है, दुश्मनी है, जिसको देखते हुए अब हम चर्चा करेंगे कि न्यूक्लियर हथियार बनाएं। यह अमेरिका के लिए और पड़ोसी देशों के लिए, चीन और नॉर्थ कोरिया के लिए एक बड़ा संकेत है। दोस्तों आपको बता दूं एक बड़ी खबर, भारत की पहली बार भारत की मदद, यानी भारत ने जो मदद भेजी है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान होते हुए उज्बेकिस्तान पहुंची। आपकी स्क्रीन पर यह बस देख लीजिए, कमाल की बात है। भारत के बराबर में पाकिस्तान का झंडा और पाकिस्तान के बराबर में समझ रहे हैं, हाँ, और उसके बाद उज्बेकिस्तान। फिलहाल जो है अफगानिस्तान ये ट्रक, ये बस, ये कार्गो पहुंच चुका है। अब जब तक ये अभी रिपोर्ट देख रहे हैं तब तक हो सकता है उज्बेकिस्तान ये मदद पहुंच चुकी हो। दोस्तों इसी के साथ एक बड़ी खबर आपको बता दूं कि रूस की जंग की वजह से, यूक्रेन और रूस की वजह से रूस पर पाबंदी लगी। पाबंदी लगने के बाद पूरी दुनिया ने पाबंदी तो लगा दी, लेकिन बड़ी बड़ी कंट्रीज़, फॉर एग्जांपल यूके को टेंशन हो गई, भाई साहब हम गैस और तेल कैसे लेंगे, तेल और डीजल का तो भाई बड़ा मसला हो जाएगा। तो पीएम बोरिस जो हैं वो यूएई पहुंच गए और उन्होंने वहां जाकर सऊदी अरब भी गए, यूएई भी गए और उनसे गुजारिश करी कि भाई तेल वेल के प्रोडक्शन को बढ़ाओ। इतना ही नहीं, सऊदी अरब ने अभी कम से कम 80 लोगों को एक साथ फांसी पर लटका दिया। सारी दुनिया में उसकी आलोचना हुई, लेकिन सऊदी अरब का गु चाटते हुए इन्होंने उसका समर्थन कर दिया कि यार जो किया तुमने बहुत बढ़िया किया, जिसे कहते हैं चापलूसी, भारत में कहते हैं उसको चापलूसी। इतना कुछ करने के बावजूद, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए चापलूसी वाली। जी हाँ, देखा आपने किस तरह से मीटिंग हुई, इतना पीएम बोरिस ने खूब हाँ में हाँ मिलाया, लेकिन यूएई और सऊदी अरब ने पूरी तरह से मना कर दिया है। मतलब जो प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करी थी कि भाई तेल आप बढ़ाओ, ज़्यादा निकालो, ज़्यादा दो, एक्सपोर्ट ज़्यादा करो, ऐसा यूएई और सऊदी अरब ने एक तरह से इनकार ही कर दिया है। मतलब एकदम गीला जूता यूके के मुँह मारा है। इतना ही नहीं, पीएम बोरिस ने सऊदी अरब के मतलब उस फैसले को सही ठहराया, राज़ी हो गए कि हाँ बहुत बढ़िया किया आपने, 80-81 लोगों को लटका दिया, सबको पता था ये चापलूसी है। दूसरी तरफ इसी बयान के बाद यूके की एक मिनिस्टर ने खुद ही अपनी जूती उतार के मीडिया के सामने ही उनके मुंह मार दिया, मतलब जलील कर दिया। कैसे, उनको बोला, अपने पीएम को ही बोला कि भाई साहब ज़रूरी नहीं है कि हम हर फैसले में सऊदी अरब या अरब की कंट्रीज़ के साथ हाँ में हाँ मिलाएं, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। वीडियो देखिए। 81 people were executed in Saudi Arabia just a few days ago. Is that a regime we should even be negotiating with? As I say, I don't condone the policies of Saudi Arabia, but we have to be clear that we are facing a serious threat, not just to European security, but to global security in Vladimir Putin and his appalling behavior. And if we don't make sure that Vladimir Putin loses in Ukraine, the likelihood is that he will want to go further. We have to stop him at all costs. We have to work with all partners around the world. We won't necessarily agree with all those partners on everything,
but it is so important that we stop Vladimir Putin. He is the real threat the world faces. सऊदी अरब से दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, सऊदी अरब ने 81 लोगों के अलावा 4 और लोगों को फांसी पे लटका दिया है। अभी और कोई जानकारी नहीं आई है। अब इसी साल में लगभग 100 से 102 लोगों को फांसी पर लटका चुका है सऊदी अरब। दोस्तों आपको एक और बड़ी खबर यूएई की तरफ से बता दूं, यूएई का मिनिस्टर पहुंचा था अभी कुछ वक्त पहले, एक दो दिन पहले ही पहुंचा था रूस। आपको बता दूं कि उस मीटिंग का फायदा और फर्क यह हुआ है कि यूएई ने ऐलान किया है कि जितनी भी पाबंदियां लगी हो, यूएई किसका है, करीबी अमेरिका का, लेकिन इस टाइम कहानी भाई साहब एकदम अलग हो रही है। यूएई ने ऐलान किया है कि वो रूस को मदद करता रहेगा, रूस के साथ खड़ा रहेगा और इसके अलावा एनर्जी सिक्योरिटी देता रहेगा, चाहे बिजली की जरूरत हो, चाहे किसी भी चीज की जरूरत हो, रूस को यूएई ये सब चीजें प्रोवाइड करता रहेगा। और इतना ही नहीं, यूएई ने यह भी कह दिया है एज अ कस्टमर हम रूस से तेल, डीजल, गैस ये सभी चीजें लेते रहेंगे जैसे हम पहले लेते थे। अमेरिका के मुंह पर ऐसे करके कोनी। दोस्तों इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर गैंट्स ने बजट पास कर दिया है। अभी तक इसराइल के पास आयरन डोम है जो रॉकेट और मिसाइलों को इंटरसेप्ट करती है, रोकती है, लेकिन अब हथियार एडवांस हो गए हैं। अब इलेक्ट्रिक और लेज़र हथियार इस्तेमाल होता है, तो लेज़र को अभी कोई रोकने वाली चीज़ नहीं बनी है, तो लेज़र को रोकने के लिए लेज़र डिफेंस सिस्टम बनाया जाएगा जो कि इसराइल खुद बनाएगा, इसराइल की कंपनी बनाएगी, और इसराइल ने इसके लिए काफ़ी सारा पैसा इन्वेस्ट करने की घोषणा कर दी है। दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।